गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज अरविंद राय फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल व्हिच इज सिचुएटेड इन गोला बाजार गोरखपुर। एंड एज यू ऑल नो, आई एम अ सब्जेक्ट टीचर ऑफ सोशल स्टडीज। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू टॉपिक विद न्यू चैप्टर, दैट इज आवर कल्चर एंड हेरिटेज। Our culture and heritage. Okay, so this is the chapter we are going to cover in this video. Okay, our culture and heritage. हमारी संस्कृति और हमारी विरासत. Okay. When we are talking about this chapter, first of all, I should tell you that in upcoming days you are going to have your exams, so it is better to be connected with your studies and prepare your syllabus according to the exams. Okay, and please be precautious against COVID-19 and don't be in anxiety, and we hope for the best that in near upcoming days, in the month of February, schools are going to be open. So please maintain your social distance against COVID-19 cases, social distancing, and also please be attached with your studies, which will help in your exams. Okay, I hope that you all are good at your homes. So now come to the topic, that is our culture and heritage. And this chapter starts from page number 64 in your book. And first of all, we are going to discuss some topics according to the learning outcomes of this chapter. ठीक है? इस chapter से हम क्या सीखेंगे अपने भारत की संस्कृति के बारे में, अपने भारत की विरासत के बारे में, इन सभी topics पे हम बात करेंगे. First topic is recognize that India has a rich and diverse culture and heritage that are thousands of years old. हम इसमें ये बात करेंगे कि भारत में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, वो कितनी रिच है, कितनी समृद्ध है, कितनी विविधता है उसमें. ठीक है, हम अपनी संस्कृति में, अपनी विरासत में कितने अमीर हैं, कितने समृद्ध हैं, कितने रिच हैं. ओके, और हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में कितनी विविधताएं हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम समझेंगे, जानेंगे, उस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स. ओके, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू फोकस ऑन द टॉपिक दैट आवर कल्चर एंड हेरिटेज इज थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड. मतलब हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यताएं हैं, हमारी विरासत है. ठीक है, तो इनका जो प्रूफ है, अकॉर्डिंग टू द प्रूफ we are going to discuss all these topics in our videos. Second topic is explore the achievements of Indians in different cultural spheres. अलग अलग भारतीयों ने अलग अलग संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्रों में उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. हमारे देश के जो महान लोग हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सांस्कृतिक फील्ड में, उन लोगों ने अपने फील्ड में कौन कौन सी महान उपलब्धियां उन्होंने अर्जित किए हैं, अपने जीवन में हासिल किए हैं, व्हाट दे हैव अचीव्ड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. थर्ड पॉइंट इज कंक्लूड दैट इन स्पाइट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ कल्चरल वैरायटी देयर इज एन अंडरलाइंग यूनिटी दैट बॉन्ड्स द पीपल टुगेदर. और हम इसमें भी बात करेंगे कि हमारे देश में इतनी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होने के बावजूद, ओके, वी आर हैविंग सो मच ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इतनी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, उसके बावजूद भी एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसी पकड़ हम सब भारतीयों को एक बंधन में बांध के रखती है. और जब भी देश की एकता के बारे में बात आती है, देश के हित के बारे में बात आती है, राष्ट्र प्रेम के बारे में बात आती है, तो हम किस तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं. तो ऐसी कौन सी डोर है, ऐसा कौन सा बॉन्ड है, विच बॉन्ड इज बाइंडिंग अस टुगेदर एज इंडियंस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी, जब हम अपनी पहचान के बारे में बात करते हैं अपने देश में,
तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को या सांस्कृतिक जो हमारी सभ्यताएं है या जो मान्यताएं है, जो हमारी संस्कृति है, उन सभी को हम एक किनारे रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पहचान होती है एक भारतीय के तौर पे होती है। जब भी किसी देश के नागरिक की पहचान होती है, अगर हम भारत की बात करें, तो अगर मेरी पहचान अगर की जाए या आपकी पहचान की जाए या आपके परिवार की पहचान की जाए, तो अगर सबसे पहली आइडेंटिटी जो होगी वो नेशनैलिटी की होगी। ठीक है, कि हम भारतीय हैं। उसके बाद किस राज्य से आते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है, हमने क्या सीखा है अपने पूर्वजों से। सो दैट इज ऑल सेकेंडरी थिंग, बट प्राइमरी थिंग जो सबसे मुख्य उद्देश्य है हमारी पहचान का, वो हमारे देश के नाम पे। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 65, इंडिया हैज अ कल्चर दैट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, द सेट ऑफ कस्टम्स, प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस शेयर्ड बाय अ सोसाइटी और ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड देयर कल्चर। जो इंडिया की जो संस्कृति है वो हजारों साल पुरानी है, इट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, एंड द आइडियाज, द कस्टम्स, द रिचुअल्स, व्हाट पीपल शेयर, दैट इज देयर कल्चर। वो उनकी संस्कृति है जो आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, कल्चर इंक्लूड्स द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, आवर बिलीफ्स, आवर म्यूजिक, आवर आर्ट एंड द लैंग्वेजेस वी स्पीक। ओके, कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं। हम भोजन किस प्रकार का करते हैं, हम कपड़े कौन कौन से पहनते हैं, ठीक है, लैंग्वेज कौन सी हम बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं आपसी बोलचाल के लिए, हम फेस्टिवल्स कौन कौन से इंजॉय करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, हमारे कल्चर में आती है, हमारी संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है, हम बड़ों को कैसे सम्मान देते हैं, छोटों को कैसे प्यार देते हैं, ये सभी हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विच विल कम अंडर द कल्चर। नेक्स्ट इज हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स समथिंग स्पेशल दैट इज पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ आवर कल्चरल हेरिटेज, द मॉन्यूमेंट्स, ओके, लिटरेचर एंड आर्ट हैंडेड डाउन बाय आवर एंसेस्टर्स, एंड आवर नेचुरल हेरिटेज, द यूनिक लैंडफॉर्म्स, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ आवर कंट्री, नेचुरल स्पेसेस लाइक द नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक द काजीरंगा नेशनल पार्क आर आवर नेचुरल हेरिटेज। सबसे पहले अगर हम संस्कृति की बात करें, तो संस्कृति पे अभी हमने डिस्कस किया कि संस्कृति में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, फूड वी ईट, लैंग्वेजेस वी स्पीक, ओके, क्लोथ्स वी वियर, सो दिस ऑल विल कम इन कल्चरल हेरिटेज। ओके, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल हेरिटेज, देन स्पेशल प्लेसेस ऑफ आवर इंडिया दैट शोज सम स्पेशल रिस्पेक्ट इन ट्रिब्यूट टू ऑफ आवर कंट्री दैट विल कम अंडर नेचुरल हेरिटेज। ओके, प्राकृतिक विरासत जिसको कह सकते हैं, और सांस्कृतिक विरासत जो होती है वो हमारे एंसेस्टर से पास होके आती है हमारे तक, फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के तक पास करेंगे। एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो ज्ञान, जो जानकारी, जो संस्कृति, जो रिचुअल्स, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो कुछ भी हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं, वो क्या होती है, हमारी विरासत कही जाती है। ठीक है, विरासत क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जनरेशन बाय जनरेशन इट पासेस थ्रू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ सिखाया, हम अपनी आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे। ओके, सो हेरिटेज पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो आई थिंक दैट नाउ यू ऑल आर वेरी मच क्लियर बिटवीन कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति और विरासत में अंतर क्या होता है। मुझे लगता है कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको रिवाइज करेंगे अगेन एंड अगेन। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज, इट गिव्स अस एन आइडेंटिटी, इट टेल्स अस हु वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम, सॉरी केम फ्रॉम, इट ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हमें अपनी संस्कृति और हेरिटेज के बारे में, अपनी संस्कृति और विरासत के बारे में
अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें हम जिस देश से बिलोंग करते हैं, सपोज दैट वी आर इंडियंस, वी बिलोंग फ्रॉम इंडिया, सो हमें अपने इंडिया के बारे में, अपने भारत के बारे में, या हमारी जो खुद की जो संस्कृति है, हमारे धर्म की, किस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी विरासत क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें पहचान दिलाने में मदद करती है हमारे समाज में, ठीक है, हमारे आस पड़ोस में, हमारे सामाजिक परिवेश में। When we are socially interacted, then it gives an identity to us that who we are, where do we came from, हम कहाँ से आए, कौन हैं, इन सब की पहचान जो है हमें हमारी संस्कृति और विरासत से मिलती है। So it is very much important that we should know about our culture and heritage. Next is we have already read about the rich diversity of food, clothing and festivals in India. In this lesson, we will discuss other aspects of Indian culture and heritage. हम ऑलरेडी अपने फूडिंग मैनर, क्लोथिंग मैनर, फेस्टिवल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन डाइवर्सिटीज के बारे में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। इसमें और जो एस्पेक्ट्स हैं, जो और पृष्ठ हैं हमारे कल्चर और हेरिटेज से जुड़े हुए, उन सभी के बारे में भी हम इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज आवर लैंग्वेजेस। ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवर लैंग्वेजेस, हमारी भाषाएं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, वी हैव 22 मेजर एंड मेनी मोर माइनर इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स, अपार्ट फ्रॉम दीज वी ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। अगर हम अपने देश में भाषाओं की बात करें तो मेजर भाषाएं, ठीक है, जो सबसे मुख्य रूप से जो हमारे देश के संविधान में जो शामिल हैं, वो मुख्यतः 22 तरह की भाषाएं शामिल हैं। उन 22 भाषाओं के जो नाम है वो आपके पेज बुक में पेज नंबर 65 पे दिया हुआ है, उसको आप 1 by 1 उसको रिवाइज करेंगे और अगर पॉसिबल हो तो आप उसको लिख के उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, और इसके अलावा हमारे भारत में कई सारी माइनर लैंग्वेजेस भी हैं, ठीक है, और कई सारी बोलियां भी, डायलैक्ट्स का मतलब होता है बोलियां। अपार्ट फ्रॉम दीज वी ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, हम अपनी 22 भाषाओं, जो हमारी मुख्यतः 22 भाषाएं हैं, उनके अलावा हम अपनी कंट्री में इंग्लिश का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड इंग्लिश इज ऑल्सो सेकेंडरी लैंग्वेज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइमरी लैंग्वेज इज हिंदी एंड सेकेंडरी लैंग्वेज इज इंग्लिश। ओके, द 22 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस आर गिवन ऑन पेज नंबर 65 दैट यू आर गोइंग टू रिवाइज ईच एंड एवरी वन 22 लैंग्वेजेस and you are going to keep in your mind that which are those 22 languages of India, major 22 languages. Now, one life skill topic is given on page number 65 beside the paragraph of our languages. What it is given in this topic, if you live in a city which has a museum, try to visit the museum with your parents. You will see the past come alive. You will come to know more about the heritage of our country. Okay? जहाँ अगर किसी आप शहर में रहते हो, वहाँ पे अगर कोई म्यूजियम है तो उस म्यूजियम में आप अवश्य जाएं, बिल्कुल जाएं। और after going to that museum, you will see that past is alive in front of your eyes. जो past है, जो पहले की बीती हुई चीज़ें हैं, वो आपको अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि जो पास्ट है वो फिर से जीवंत हो चुका है, ठीक है। तो उससे हमें क्या होगा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के बारे में भली भांति बहुत अच्छे से जानकारी हासिल होगी और हम अपने विरासत को, अपनी संस्कृति को बहुत नज़दीक से देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर
लिटरेचर ओके With such a wealth of languages, it is not surprising that India has a rich body of written and oral works. Let us look at some of these works. Okay? जिस देश में इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, उस देश में हम इस बात से सरप्राइज नहीं कर सकते कि हमारे देश में रिटन वर्क्स और ओरल वर्क्स ना हुई हो या इतनी ज्यादा रिटन वर्क्स और ओरल वर्क्स हो जिन्हें हम साहित्य कहते हैं इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं ओके जो भी लिखी हुई चीजें होती हैं वो साहित्य में आई है तो हमारे देश में जो साहित्य की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही प्रमुख है सॉरी फॉर द इंटरप्शन ओके वी वर ऑन द टॉपिक आवर लिटरेचर विद सच अ वेल्थ ऑफ लैंग्वेजेस इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट इंडिया इज अ रिच बॉडी ऑफ रिटन एंड ओरल वर्क्स लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज वर्क्स इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 66 You are going to revise these topics. For example, name of the work it is given, the Vedas, the Ramayana and the Mahabharata, the Jataka tales, the Sangam literature, the Akbarnama. You are going to revise this topic and I am going to explain in what purpose these works were being written, what was the motive of these works, that I am going to explain in next video. Till then, please take care of yourself and Please be attached with your studies. Thank you so much.